चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके आंसर्स भी देख रहे हैं। तो हम लोग अभी तक 400 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं, 401 से आगे चलते हैं। और आपको फिर से बता देता हूँ, जितने भी हमारे लेक्चर बन रहे हुए हैं इससे संबंधित, वो आप सभी लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे। वो है हमारी अपनी प्लेलिस्ट सूची में, जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी है उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो याद रखना है बैक्टीरिया। कौन सा है वो? लैक्टोबैसिलस, जीवाणु द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, ठीक है। दूध से दही जमता है, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही जमता है। फिर है 43 क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए, ठीक है। एलिसा परीक्षण एड्स पता लगाने के लिए किया जाता है। विषाणु रोग है, विषाणुजन्य रोग है, रक्त संचरण से फैलता है। एच आई वी प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक टी सेल को नष्ट करता है, और HIV में न्यूक्लिक RNA होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, विदूषित सीरेज या एवं रुधिर आधान से प्रधान होता है। पोलियो, यह रोग पोलियो वायरस द्वारा होता है। यह विषाणु भोजन एवं जल के द्वारा बच्चे के जबी शरीर में पहुंच जाते हैं तथा मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को नष्ट करते हैं। इस रोग से पैर हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बीमारी के रोकथाम के लिए पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाया जाना चाहिए। वयस्क व्यक्तियों के शरीर के किसी भी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि तक, यदि वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसे कैंसर कहते हैं। विडाल टेस्ट टाइफाइड रोग में होता है। बात करते हैं 404 क्वेश्चन है, पैरासीटामोल उपयोग लाया जाता है, तो याद रखना शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दवा एंटीबायोटिक है? तो याद रखना है पैरासीटामोल। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन को एंटीपायरेटिक दर्द निवारक दवा कहा जाता है। 406वां क्वेश्चन, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है? तो याद रखना, एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है। जो जिस्ती परीक्षण को स्पष्ट करता है। बात करते हैं आगे, है 407 क्वेश्चन नंबर 7, किड़वक है, तो याद रखना जैविक उत्प्रेरक, डी ऑप्शन सही है। 8 क्वेश्चन नंबर, पनीर बनाने किस किण्वन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए रेनिन। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? तो याद रखिए शैवाल। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, एपिकल्चर किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है मधुमक्खी से। ये कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो याद रखना मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है। पिसिकल्चर को मछली पालन कहा जाता है। सेरिकल्चर को रेशम का कीट पालन कहा जाता है। पिसिकल्चर थोड़ा डाउट मुझे भी लग रहा है, पिसिकल्चर सही है इसमें, मत्स्य पालन से संबंधित है या मछली से, ठीक है। 11, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो याद रखिए आर्थ्रोपोडा, डी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें 70% जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर, फ्रेया किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो आपको पता होगा केंचुआ, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ के मल में यूरिया पाया जाता है, इसमें बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं। बात करते हैं 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो याद रखिए HCl, HCl आमाशय से स्रावित होता है या पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, ठीक है। बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो याद रखना एक समुद्री आग
कशेरुकी को, ठीक। चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी में 6 पैर होते हैं। इनके पैरों को जेंट लेग कहा जाता है। चींटी आर्थ्रोपोडा फिलम के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा फिलम के शरीर में हेड, थोरेक्स, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। 16 क्वेश्चन। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है, तो याद रखना तनाग। सामान्यतः वायरस तनाग को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, तो याद रखिए फैले जिला। जीवाणुओं में झोंक जैसी संरचना को फैले जिला कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो याद रखना लेग्यूमिनस पौधे में। बात करते हैं 419वां क्वेश्चन। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो याद रखना है आपको वेराजोल में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं एक 20वां क्वेश्चन। 420 हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो याद रखना रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग रेबीज वायरस से होता है। यह रोग पालतू कुत्ते, पागल कुत्ते के काटने पर होता है। हाइड्रोफोबिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है तथा कभी कभी कुत्ते की तरह भौंकने भी लगते हैं। बात करते हैं हम लोग 421 क्वेश्चन। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, तो आपको याद रखना कुत्ता काटने पर, कुत्ता के काटने पर। एंटी रेबीज का टीका कुत्ता के काटने पर दिया जाता है। यह बीमार अगला है 22 क्वेश्चन। यह बीमारी जिसमें खून का धक्का आसानी से नहीं जमता उसे कहते हैं, तो याद रखना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक वांशिक बीम रोग है। इस रोग में खून का धक्का आसानी से नहीं जमता। यह बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया, इसलिए यह बीमारी रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसे। सिंगल सेल एनीमिया, यह एक अनुवांशिक रोग है। इसमें आरबीसी आकर हसुए की आकार की हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है। 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो याद रखिए आंत है, ठीक है। मानव शरीर में टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत है। किडनी से संबंधित और लंग से संबंधित डिजीजे ब्लैडर स्टोन, अस्थमा, यूरिमिया, ब्रोंचिस्टिस नेफ्रिट, ये निमोनिया, किडनी स्टोन, ट्यूबर क्लोसिस, यक्षमा, ठीक। 24 क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, तो याद रखना त्वचा। त्वचा से संबंधित रोग को एपिडर्मिक कहा जाता है। टॉन्सिल, गला, सिनोसिटी, नोट ब्लोड, नाक से, डेफनेस, बहरापन, कान से, ठीक है। 25वां, टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए लो जो। टिटनेस बीमारी को धनुष धनुष टकार, धनुष षटकार तथा लो जो भी कहा जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं 26। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो याद रखना आंखों की, ठीक। एस्टिगमेटिज्म आंख से संबंधित है। कौन कंट्रैक्ट मोतियाबिंद, कंजोक्टिविटिस, ऑक का स्थिर होना, ग्लोकोमा आंख का बाहर निकल जाना, ट्रेकोमा ट्रोकोमा, ठीक। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो याद रखना पीलिया को, ठीक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग पीलिया है, स्प्लीन। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हार्ट को प्रभावित करता है। 28 क्वेश्चन, निप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, तो याद रखना गला। डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। 29, ग्लूकोमा व टिकोमा बीमारी है, तो याद रखना आंखों की। 30 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, यकृत, ठीक है। 31 क्वेश्चन, टीबिया अस्थि में होता है, तो याद रखना पैर। टीबिया अस्थि पैर से होती है। पैर में टीबिया एवं फेबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी फीमर है, जो जांघ को हड्डी है, जांघ की हड्डी
हाथ में अल्ना, रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती है। बात करते हैं 32वां क्वेश्चन, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो आपको बता देना है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, टीबी के रोग, ठीक है, बी ऑप्शन है। 33, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता होगा आपको, रतौंधी। 34 क्वेश्चन, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का उपयोग सम्मिलित है? तो आपको याद रखना परासरण, ठीक है। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना वर्णांत, ठीक है, सी ऑप्शन है इसमें, वर्णांत, वर्णांतता, वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह एक अनुवांशिक रोग है। निकट दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर लगाना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक। 36 क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कैंसर, ए ऑप्शन सही है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जोड़ों का दर्द, इसे गठिया या वात रोग भी कहते हैं, इस रोग में व्यक्ति को जोड़ों का दर्द रहता है जिससे चलने फिरने में तकलीफ होता है। संधियों में साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाने के कारण यह रोग होता है। बात करते हैं 37, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो याद रखना है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सी बी ऑप्शन सही है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो आपको बता देना है जीवाणु। निमोनिया यह रोग डेप्लिकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। 441 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो याद रखना आयोडीन, आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। 42 क्वेश्चन, गैसोहोल पर्यावरण में ईंधन है जो कि मिश्रण से बनता है? तो याद रखना पेट्रोल और एथेनॉल से बनता है, ठीक। 43 क्वेश्चन, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है? तो याद रखना कपकों द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 44, निम्नलिखित में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो याद रखना इंसुलिन, बी ऑप्शन सही है। 45 क्वेश्चन, क्वासियो उर्कर किसकी कमी से होता है? तो आपको बता देना है प्रोटीन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो याद रखना है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है दमा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। दमा एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है, इस रोग में मछली उपचार किया जाता है। 47, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड, टाइफाइड रोग की संभावना के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। 48, कौन सा रंग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये अनुवांशिक बीमारी है। 49, ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखना कैंसर का, ऑनकोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है इसके अंदर। 450वां क्वेश्चन है, फफूंदी द्वारा घटित रोग है? तो याद रखना दाद, दाद फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। लकवा एवं मृगी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा हाई ब्लड प्रेशर एवं लो ब्लड प्रेशर दोनों स्थिति में होता है, ठीक है। तो हम लोग 450वां क्वेश्चन देख चुके, आगे हम देखेंगे 451 से, ठीक है।